डेली यूज वर्ड्स। मजबूत को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्म। सटीक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज। सहमति को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट। कंसेंट। निराशा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिजेक्शन। डिजेक्शन। मजबूत को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्म। सटीक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइज। सहमति को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट। निराशा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिजेक्शन। अति प्रसन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लिसफुल। ब्लिसफुल। भेदभाव को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। बेचैनी को हम इंग्लिश में कहते हैं डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन। पारंपरिक को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। विनाशकारी को हम इंग्लिश में कहते हैं रियूनस। Ruinous. आकर्षित को हम इंग्लिश में कहते हैं फैसिनेटेड। फैसिनेटेड। 11th है निराशाजनक। निराशाजनक को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लूमी। ग्लूमी। समझदार को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट। काल्पनिक को हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्शनल। फिक्शनल। अनुभवी को हम इंग्लिश में कहते हैं वेटरन। वेटरन। चमकीला को हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस। मनोहर को हम इंग्लिश में कहते हैं विनसम। विनसम। सलाह को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। एडवाइस। जागरूकता को हम इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस। शुभ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस। अशुभ को हम इंग्लिश में कहते हैं इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस। मर्यादा को हम इंग्लिश में कहते हैं डेकोरम। कामचोर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बदमाश को हम इंग्लिश में कहते हैं हूलीगन्स। हूलीगन्स। गुमराह को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड। लालची को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स। आई होप आप सबके लिए यूजफुल होंगे। सो इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो।